विवाद पर हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसने और दो शहरों डोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक भेज दिए हैं। इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। 100 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में घुस चुके हैं। तो उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए चिकित्सकीय सहायता भी भेजनी शुरू कर दी है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी बाल्टिक देशों में अपने सैनिक और हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए सवाल किया है कि अगर पुतिन युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो वो सैनिकों के लिए अतिरिक्त रक्त और चिकित्सकीय सहायता के आदेश क्यों दे रहे हैं। यूक्रेन के इस रवैये को लेकर और साथ ही रूस के रवैये पर ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है। इसके बाद कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने राजदूतों को रूस से वापस बुला लिया है। युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन से कई विदेशी नागरिक अपने अपने देश लौट रहे हैं। भारत ने भी विशेष विमान के जरिए यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया है। यूक्रेन के दो क्षेत्रों को मान्यता देने के बाद रूस इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई का विरोध किया है। लेकिन बावजूद इसके पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई है कि युद्ध अब किसी भी वक्त हो सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर एम श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ और डीएस ढिल्लो रक्षा विशेषज्ञ। इन दोनों ही मेहमानों से हमारी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले जो तमाम अपडेट्स है वो हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस की सीमा पर बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारतीय छात्रों की, भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी भी अब शुरू हो गई है। और ये प्रक्रिया आज से ही नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले की आशंका के मद्देनजर सभी यूएनएससी के जो देश हैं अलर्ट मोड पर हैं। बकायदा एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि मुश्किल यहां पर यह है कि रूस के पास भी वीटो पावर है और इस वीटो पावर का इस्तेमाल अगर वो करता है तो यूएनएससी में कोई भी प्रस्ताव उसके खिलाफ अगर पारित होता है, आप मोटे तौर पर इसको समझिए, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रूस पर फर्क इस बात से पड़ सकता है कि यूएनएससी के दायरे के बाहर जो महापावर हैं या जो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, अगर वो रूस पर प्रतिबंध लगाती हैं तो रूस की हालत थोड़ी खराब हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन अड़े हुए हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के कई बड़े शहरों में जो रूसी सैनिक हैं वो पहुंच चुके हैं। चलिए तो कई देशों ने रूस और यूक्रेन के बीच इस विवाद को लेकर आपको बता दें कि अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इन्हीं बिगड़ते हालातों के बीच यूक्रेन से भारतीयों को भी निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाजुक हालातों को देखते हुए देर रात यूक्रेन से 242 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली एयरपोर्ट वापस लौटा। स्वदेश लौटने के बाद भारतीय छात्रों ने वहां के हालातों के बारे में जानकारी दी। वतन लौटे ज्यादातर छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 नागरिक अभी भी मौजूद हैं और इसे लेकर भारत सरकार ने सभी नागरिकों से जल्द वतन लौटने की अपील की है और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत भी, जैसा हम आपको बता रहे हैं, 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब लगातार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले इस युद्ध पर टिकी हुई हैं। आप कई देशों ने अब कड़े प्रतिबंध लगाने भी रूस पर शुरू कर दिए हैं। जापान ने जहां लुहांस्क और डोनेत्स्क, यानी ये जो दो ऐसे शहर हैं जिन्हें अब स्वतंत्र देश कल ही घोषित कर दिया था रशिया ने, रूस ने अब उनके नागरिकों पर वीजा पर प्रतिबंध जापान ने लगा दिया है। एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें अब दो देशों के बीच में जो हो रहा है उसमें तीसरा देश कुछ नहीं कर सकता। तो आपको जैसा प्रोटोकॉल है कि आपको उससे पहले इवैक्यूएट करना है, तो हमने वो फॉलो किया और हम वहाँ यहाँ आ गए। वहाँ बिल्कुल नॉर्मल, वहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है, पूरी नॉर्मल सिचुएशन है। बट न्यूज़ में जो पेरेंट्स देख रहे हैं उससे उनको बहुत हाइपर हो जा रहा है और उन्होंने ही हमको बुलाया कि आ जाओ आप। फिर हमने सोचा कि चले ही जाते हैं और जब सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर हम घर जाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ध्यान कल भी मेरा अर्थव्यवस्था वाली सी, जे अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाए उदा की फायदा? बाजी देश च प्रोडक्शन बढ़ूगी,
रोजगार बधूगा, एक्सपोर्ट बदनगे, जीडीपी बधूगी। चीनी तो किन्ने बढ़ गए, 150 करोड़ तो हो गए चीनी। ओ वाले चीनी नहीं यार, शुगर दी गल कर रहे हैं। शुगर दी प्रोडक्शन किन्नी बढ़ गई? शुगर दी प्रोडक्शन बढ़ गई, अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, चाह चीनी फेर नहीं पाई। लाले ने जवाब देता पाजी, कहना पहला पिछला बकाया दियो फिर चीनी उधार लियो। हैं साले जिन्ना ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ते लाया, जे आही ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था ते लाया हुंदा तां जे फिक्की जाना पीनी पैंदी आपां नूं। अपना किन्ना मर्जी कुत्त कलेश है, पर चीन ने तरक्की बहुत कीती है शेरू। साडे नौजवान केड़ा किसे तो घट ने, पर रोजगार नहीं हैगा पाजी, करनगे बेचारे। एदा है बीए एमए एमबीए करी बैठे नौजवान बेले घूमते फिरदे ने। यार इसे करके मैं नहीं दसवीं करदा, भी जदों बीए एमबीए वालियां तो कुछ नहीं होया, आपां दसवीं करके दस की खड़ लांगे। एदा है, पर पाजी जो नौजवानों को रुजगार नहीं होंदा ताइयों तो नशियां वल जांदे ने, ताइयों देश तरक्की नहीं करदा। हैं यार ये तो कोई लॉजिक नहीं होया, किसे टाइम चीन नू अफीम चीन दा देश कहंदे सी, ओपीएम कंट्री। एक दिन उन्हां दे दिल च आया भी बतेरी भीम खाली, हुण कम करिए, लगे पए ने कम कर, केड़ा हटदे आ। अच्छा होर यार हुण अपने नौजवान ऐसा की करन भी नशे छड़ के दिन रात कम दे लगे रहन। पाजी एड्डी भी केड़ी गल है, फीम आपा शुरू कर लेने आ। है मैं गल रोजगार दी कर रहा, साले ने गल फीम वाले पासे मोड़ ली। यार बंदे नु शराब पीनी चाहिदी है कि नहीं? पाजी बहुत माड़ी चीज है शराब, सेहत दा नुकसान, पैसे दा नुकसान, इज्जत दा नुकसान। यार शराब मैं पियूंगा। मैं झूठ बोलदा सी पाजी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एम श्रीवास्तव, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका, और डीएस ढिल्लो, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। ढिल्लो साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे। इस वक्त अब जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच अब महज चंद कदम की दूरी है, जैसा कि जो खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले इसका इम्पैक्ट आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम देश लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके रूस को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। जहां तक अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वीटो पावर इसका एक सबसे बड़ा अब कारण है। जरा इस पर विस्तार से रोशनी डालिए सर। इम्पैक्ट इंडिया के लिए नहीं है, पर इनडायरेक्टली काफी इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर इनके कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और अगर जल्दी कोई सेटलमेंट नहीं होती, तो बड़े तौर पे चार मुद्दे हैं जिन पे हमारे पे असर पड़ेगा। सबसे पहले जिसमें भारत ने ऑलरेडी एक्शन शुरू कर दिया, 25,000 हमारे लोग हैं यूक्रेन में, स्टूडेंट है जनरली जो पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि अभी फ्लाइट चल रही है तो आसान है उनको, समय पे डिसीजन ले लिया गया, उनको वापस निकला जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो फ्यूल के प्राइजेस हैं, तेल के प्राइजेस, देखिए इस खत्ते से यूक्रेन और रशिया से सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो फ्यूल का होता है, अब जब तेल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो भारत में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी और भारत में ऑलरेडी प्राइजेस बहुत हाई है, तो ये आम जनता पिस जाएगी अगर ये इंपैक्ट कंपनियों ने आगे ट्रांसफर कर दिया और इसको किसी तरह रोका नहीं गया। तीसरी बात है जो डिफेंस का इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट खासकर नेवी और एयरफोर्स का रशिया बेस्ड है, तो जो स्पेस की प्रॉब्लम हमें पहले भी आती रही है, तो काफी प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे मिग का फ्लीट है या रशियन नेवी से जो इम्पोर्टेड है सारी हमारी सबमरीन या पुराने जहाज है, तो इसका बहुत शॉर्टेज आएगा आने वाले समय में। चौथा जो सबसे अहम मुद्दा है इस टाइम जो वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, वो चाइना। अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो रशिया और चाइना जो भारत के हित में नहीं होगा।
ये एक बड़ी बात कही है। डॉक्टर एम श्रीवास्तव जी, कितने सहमत हैं आप डीएस ढिल्लो के इस बात से कि ये भारत के हित में भी नहीं होगा, क्योंकि रशिया और चाइना अगर एक स्टैंड पर आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभी स्थायी सदस्य हैं, भारत अभी वहां पर अस्थायी सदस्य है। हालांकि सधी हुई प्रतिक्रिया भारत की तरफ से भी दी गई है। डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हम पूरे मसलों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद आगे के हालातों पर हम कुछ कहेंगे। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जो है सारे कंट्री को अफेक्ट करती है, इंडिया को भी अफेक्ट करेगी। अब किस तरह अफेक्ट करेगी डिपेंड करता है किस एडवांस स्टेज में अमेरिका एंड रूस इंगेज होते हैं, ठीक है। एंड इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम है, सुविधा है कि किस साइड जाए। अमेरिका को भी सपोर्ट करना है, रूस को भी सपोर्ट करना है। हमारे वी आर गेटिंग आर्म्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज एंड ऑल्सो वी हैव गॉट इंटरेस्ट, यू नो, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन द बोथ द कंट्रीज एंड बोथ द कंट्रीज आर फेसिंग ईच अदर। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की बात है और किस तरह हम उसको टैकल करते हैं ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको कर सकती है। बैठे हुए हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक जरा कठिन समस्या है हिंदुस्तान की, जैसे पहले था यू नो इसराइल और लेबनान के बीच में, वही समस्या अभी रूस और अमेरिका के बीच आ गई है। लेकिन कोई जो ऑयल प्राइस से अगर इंटरनेशनल इफेक्ट होगा तो हमारे पास भी इफेक्ट होगा। और रूस का इंटरेस्ट ये है, एक तो ये है कि यूक्रेन उसके बॉर्डर पे है और नाटो फोर्सेस को चाहता नहीं है। सेकेंडली ऑयल, यूक्रेन हैज गॉट ए गुड ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व, एंड इसीलिए उसका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यूक्रेन में। अगर वहां कोई ब्लॉकेट हो जाता है, कुछ होता है, तो इट विल अफेक्ट इंटरनेशनली, उसका अफेक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर। चलिए, ये तो भारत के नजरिए से बात हो गई सर। अब आपसे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, यूएनएससी की जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, विकल्प क्या बचते हैं कि दोनों देशों के बीच आप ये जो संभावित युद्ध है इसको रोका जा सके, कोई विकल्प बच रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि रूस के पास भी वीटो पावर है और ऐसे में जितने भी देश हैं जो स्थायी देश हैं, अगर वो कोई प्रस्ताव भी लाते हैं तो वो खारिज हो जाएगा। क्या रूस इसी का इस्तेमाल करेगा और यूएनएससी के पास अभी क्या कुछ है रूस को रोकने के लिए? देखिए, ये यूनेस्को के पास या सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो भी पावर हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रूस डिसाइड करता है यूक्रेन को आक्रमण करने के लिए, ठीक है, वो इमीडिएटली कर सकता है। और अगर अगर दूसरे देश इन्वॉल्व होते हैं तो ये फिर महायुद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, राइट। जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दो कंट्री के बीच में, करते करते फिर तीन कंट्री हुई, चार कंट्री हुई, पांच कंट्री, फिर अलाइड एंड एक्टिव फोर्सेज हो गई, तो वो सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। बट मेरा ये विश्वास है कि कोई कंट्री इस टाइम में वर्ल्ड वॉर में नहीं इफेक्ट होना चाहेगी। जैसे क्यूबन क्राइसिस हुई थी, अमेरिका ने लगा दिया था ये तत्काल युद्ध हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे विड्रॉ हुआ। हो सकता है कि बातचीत के दौरान यह कुछ हल निकल आए, लेकिन अगर अगर वहां नाटो अपनी प्रेजेंस करना चाहता है और फोर्सेस डिप्लॉय करता है तो रूस इसका जरूर विरोध करेगा। और किस फॉर्म में विरोध करता है ये देखने वाली बात होगी। अभी एकदम प्रेडिक्ट करना कि साहब वर्ल्ड वॉर के लिए हम कल जा रहे हैं या ऐसा नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है सम सिस्टम में प्रिवेल आइदर साइड एंड धीरे धीरे देयर में बी ग्रेजुअल विथड्रॉल एंड देयर में बी ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रूस एंड अमेरिका। बिकॉज दोनों जो है, दोनों सुपर पावर है, दोनों के पास एटॉमिक पावर है, राइट। कौन किस पर प्रहार करता है ये देखने वाली बात है। दोनों का नुकसान होना है, वर्ल्ड का नुकसान। ढिल्लो साहब, दोनों का एक टेबल पर आना क्या संभव है? क्योंकि बीच में आपने देखा जब यूक्रेन के साथ तनाव की खबरें अभी शुरू ही हुई थी, उस दौरान भी रूस की तरफ से ये कहा गया था कि अमेरिका ना चाहते हुए भी इन बातों को भड़का दे रहा है, उकसावा दे रहा है कि रूस जो है वो खुद यूक्रेन पर हमला कर दे। ऐसी स्थिति में अब अमेरिका ने भी कुछ कड़े प्रतिबंधों की बात की है, यूएनएससी के दायरे के बाहर कि जो आर्थिक प्रतिबंध है कड़े से कड़े वो लगाए जाए। ऐसे में दोनों का एक टेबल पर साथ आना संभव है, और अगर संभव है तो किन परिस्थितियों में? देखिए, टेबल पे तो आना ही पड़ता है, चाहे वो युद्ध से पहले आए युद्ध के बाद आ जाए, क्योंकि टेबल पे के ही कोई मसला निकलेगा। पर इस टाइम जो है युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि रशिया ने ये प्रिपेयर कर लिया, उसने दो कंट्रीज को अपनी जो रिकॉग्निशन भी दे दी है, तो एक तरह से यूक्रेन को घेरने का उसका पूरा प्लान है। बाकी जो सैंक्शन है, अभी जर्मनी ने भी सैंक्शन लगा दिया, एक जर्मनी के साथ डायरेक्ट पाइपलाइन है जिसका असर जर्मनी पे पड़ेगा, वो सैंक्शन लगाता है, जापान ने भी सैंक्शन लगाए हैं, अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाया, तो इसका मॉरली तो प्रेशर तो पड़ेगा रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर, कि जल्दी से जल्दी कोई सलूशन निकाला जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि ये क्राइसिस लंबा खींचे। तो
प्रेशर बना के हो सकता है कि दोनों तरफ से प्रेशर होने के बाद कोई एक टेबल पे कुछ दिन बाद दो चार दिन के बाद नेगोशिएशन की बात बन जाए और कहीं ना कहीं समझौता हो जाए। डीलर साहब, नेगोशिएशन किस किन किन मुद्दों पर हो सकता है, किन किन बिंदुओं पर हो सकता है, जरा ये भी बताइए। देखिए, बिंदु तो यूक्रेन और उनके साथ में जो आपसी डिस्प्यूट है उन्हीं पे डिपेंड करता है। बाकी वर्ल्ड का जो प्रेशर है इसीलिए है कि लड़ाई से जो सैंक्शन का मुद्दा है वो वहां के जो नागरिक है उनका नुकसान ना हो और टेबल पे जो नेगोशिएशन है वो चलती रहे, पर उस पर रूस कितना सहमत होता है ये तो रूस को ही पता है और फिलहाल अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। ढिलो साहब, कि ये नेगोशिएशन ठीक है यूक्रेन के पक्ष में हो कि युद्ध ना हो, लेकिन उसमें रूस भी अपने हित को देखेगा, तो ऐसे में कितने परसेंट ये चांसेस बनती है कि रूस जो है इस नेगोशिएशन को, इस नापतौल को आंकेगा अपने पक्ष में, वो भी करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां इतनी आसानी से काबू में नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल, तो ये जो समझौता वो रूस के पक्ष में, यूक्रेन के साथ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, को कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन पे अटैक होता है या नहीं, उसको सिर्फ रशिया को रोकना ही मुद्दा है और बाकी यूरोप के लिए यही है कि रशिया को किस तरह रोकना, वो ज्यादा से ज्यादा कर पाए यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन भी एक ऑयल रिच कंट्री है ज्यादा, पर जो जहां भी समझा इसमें जरूर रशिया रहता, हालांकि सैंक्शन भी लगाई है, सैंक्शन से भी अगर पेट्रोल के और बाकी के दाम बढ़ने उसका फायदा भी रशिया मिलेगा। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप यकीनन जब इस युद्ध की बात चल रही थी और ये हो रहा था कि रशिया जो है वो हमला करेगा, उस दौरान भी अमेरिका ने अपने कड़े तेवर दिखाए, अमेरिका ने ये कहा कि हम आर्थिक कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और यूनेस्सी के बाहर अब कई देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, तो यकीनन रूस इसके लिए तैयार रहा होगा या उसने पहले से ये प्लानिंग की होगी कि अगर हम पर कोई प्रतिबंध लगाया भी जाता है तो हम पर उसका कितना फर्क पड़ेगा, इन सभी चीजों का आकलन करके रूस ये कदम उठा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या क्या खामियाजा रूस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ रूस को ज्यादा कोई नुकसान होगा, रूस जो है बहुत बड़ा कंट्री है, उसके पास काफी रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो थोड़ा जो कुछ भी लॉस होगा सस्टेन कर सकता है, और ये सब जो है ये जब अगर उसने इतना बड़ा कदम लिया है और इतने दिन से अमेरिका की थ्रेटनिंग चल रही है, उसने अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश की है, तो रूस को पता भी है कि उसके क्या हो सकता है, उसके नुआंसेज क्या है, राइट और कोई भी और कोई एक अभी नया कंट्री नहीं है, और इनके कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रूस तो बहुत दिन से चलता रहा है, जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब से यूक्रेन से यूनिपोलर वर्ल्ड बट अदरवाइज बाइपोलर वर्ल्ड की थ्योरी तो रही है, दोनों एक दूसरे को देखते रहे हैं आमने सामने, तो इसलिए रूस कोई छोटा कंट्री नहीं है, जिस पर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, रूस कैन सस्टेन दिस थिंग और सभी कदम लिया होगा, पुटिन ऐसा दे हैव गॉट अ वेरी एबल लीडरशिप देयर आल्सो, दे हैव टेकन ऑल द इश्यूज इन द कंसीडरेशन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ना किया हो, तो मेरा मानना यह है कि इन छोटे मोटे जो सैंक्शन होंगे रूस को नहीं फर्क पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्क पड़ सकता है। तो श्रीवास्तव जी, एक स्थिति ये भी क्लियर नहीं हो पा रही है, रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, अमेरिका ये सवाल उठा रहा है कि अब फिर इतने ज्यादा चिकित्सकीय सुविधाएं, ब्लड ये सब कुछ भेजने की क्या जरूरत है, जो स्थिति है उसको अभी भी पशुपेश में रख रहे हैं पुतिन, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कोई भी कंट्री जो है ये वॉर के लिए हमेशा प्रिपरेशन रखता है, अगर कोई हो गई एस्केलेशन हो गया तो नो कंट्री वॉन्ट्स टू बी टेकन बाई सरप्राइज, चाहे युद्ध हो ना हो, लेकिन अगर युद्ध जैसी परिस्थिति बन जाती है, अगर छोटे मोटे आक्रमण की परिस्थिति बन जाती है तो प्रिपरेशन करना स्वाभाविक है, और ये अगर 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 हमारी भी कंट्री अगर कहीं जाती है कॉपरेशन करती है तो अपना सब पूरा पूरी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करके जाती है, चाहे हो ना हो, तो ये तो इसमें पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें कोई इतना अलर्ट होने की बात नहीं कि उसने अगर अगर ब्लड को बंदोबस्त कर दिया, गाड़ियों को बंदोबस्त कर दिया, एम्बुलेंस को बंदोबस्त कर दिया, मतलब युद्ध निश्चित है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए सर, लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप दोनों से बातचीत का, चर्चा का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। पाजी जिहड़ा व्याह ना करावे ओ भी पछतावे ते जिहड़ा करावे ओ भी पछतावे ना ना ओ तो जमा पट्टे ही जावे यार जिहड़ी घर वाले हुंदी है ना ओ घर नूं स्वर्ग बना दिंदे शुरू ते घर वाले नूं स्वर्गवासी पाजी घर वालियां दो तरह दियां हुंदियां ने
यार केड़ियां केड़ियां? पहले नंबर ते ओ घर वालियां आउंदियां जिहड़े अपने पति नूं हमेशा प्यार करदियां। क्या बात है, कदे गुस्से नहीं हुंदियां, ओए होए, हमेशा हसदियां रहंदियां, ओए होए होए होए, कदे कोई गिफ्ट नहीं मंगदियां। क्या बात है, कोई फरमाइश नहीं करदियां। या जिहड़ी दूजियां आउंदियां? दूजियां तां पहलां ही सारिआं दे पल्ले पईआं होईआं हैं। ਕੰਜਰ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕਜ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚਲ ਗਿਆ। बाकी मेरी भी शेफर्ड नाल गल चल रही है। यार केड़े शेफर्ड नाल? जर्मन शेफर्ड नाल पाजी। फिर मेरी भी डायरेक्ट सिटीजनशिप जर्मनी दी। वेरी गुड। यार तू मेनू अपनी लैंग्वेज सिखा देगा? लैंग्वेज तो सीख लो भाजी, पर वीजा अप्लाई बंदे वाले पासे करियो, साडे वाले पासे दा पहले ही मारा मारी बहुत होई पई आ। हैं सालिया, आईलैंड्स नहीं क्लियर होई ना सी, एदा मतलब ए थोड़ी आ मैं कुत्ते वाले वीजे ते बाहर जाऊं। थोड़े कोलों सलाह लेनी सी भाजी। यार मैं मुफ्त च सलाहां देनियां बंद करतियां शुरू। आ फड़ो 2000 रुपया। हैं 2000? ओ शुक्र है रब्बा, साडी भी वैल्यू पई, तेरा लख लख शुक्र है रब्बा। हां हुण दस की सलाह लेनी है भाजी? आ 2000 दा नकली नोट बाजार च किवें चलाउणा? इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो ते कमेंट करना ना भुल्यो। हैं फ्रांस ब्रिटेन नूं पछाड़ के भारत बनिया दुनिया दी पंजवीं सब तो बड़ी अर्थव्यवस्था। हैं आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस के विवाद पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं, यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा चुका है कि उनका एक सैनिक अब रूसी सैनिकों के हमले में शहीद हुआ है। तो क्या जंग पूरे तरीके से छिड़ चुकी है? इसको लेकर अभी हालांकि कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन खतरे के बादल जरूर मंडरा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस के इस विवाद पर जमी हुई है। चर्चा कर रहे हैं दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम श्रीवास्तव और डॉक्टर डी एस ढिल्लो, दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ। ढिल्लो साहब, अब आपके पास आना चाहूंगी। जैसे शुरुआत में ये कहा गया कि दोनों ही देशों की अगर हम बात करते हैं तो एटमिक पावर से ये लैस हैं, कितने प्रतिशत संभावना आप देख रहे हैं कि इसका भी इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा सकता है? देखिए, न्यूक्लियर वार होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसको स्टार्ट करना तो आसान है पर उसको एंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों देशों के पास जब ये हथियार होते हैं तो काफी खतरनाक मोड़ पे पहुंचे। ये सिर्फ थ्रेट उसके बाद सिर्फ उनके लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेव जो क्लाउड बनता है और वो रेडिएशन किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हवा की डायरेक्शन, वेदर से कई सालों तक उसके जो इफेक्ट आते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर जो शक्ति है, न्यूक्लियर हथियार एक दूसरा कंट्री हर किसी को डराने के लिए रखता है, पर फिजिकली इस्तेमाल करने से पहले वो हजार सोचेंगे कि अगर इसको स्टार्ट किया तो इसका अंत नहीं है, और ये निश्चित तौर पर फिर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका जो इंपैक्ट है सिर्फ ये दो कंट्रीज को छोड़ के बहुत सारे कंट्री में आएगा और उनकी स्पेट में दूसरे कंट्री भी उनको इस्तेमाल करेंगे, तो ये मसला बहुत उलझ जाएगा। और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ये लोकल जो इससे वो गेन करना चाहता है उसको वर्ल्ड पे ले जाया जाए, इसलिए वो रशिया फर्स्ट यूज को अवॉइड करे और ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी भी फुल फ्लेज युद्ध पूरी तरह से नहीं एंटर करेंगे, सिर्फ इक्का दुक्का झड़प होंगी और ज्यादा हवाई हमलों से उनको प्रेशर में ला
जाएगा कि वो जो समझौता रशिया की उसके हिसाब से हो जाए। लेकिन सर आपने कहा कि ये हो सकता है कि झड़प में कन्वर्ट होकर बाद में चीजें सही ट्रैक पर चली जाएं, लेकिन ये कितना आसान है? अमेरिका का अगर आप परिदृश्य देखें सर, अमेरिका सबसे पहले इस खतरे को भांप कर उसने सबसे पहले बयानबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन अब सबसे ज्यादा दारोमदार अमेरिका पर ही है और सबसे ज्यादा बेबस यहां पर अमेरिका ही नजर आ रहा है। जैसा आपने अफगानिस्तान में भी देखा, तब भी किरकिरी हुई थी जो बाइडेन और उनकी नीतियों की। क्या जो बाइडेन अमेरिका की नीतियां, यूएनएससी की जो नीतियां हैं, वो इस वक्त कारगर साबित होंगी और क्या अमेरिका अपनी उसी छवि को बरकरार रख पाएगा, चाहे वो धौंस जमाकर रूस पर हो, क्या न्यूक्लियर पावर की ताकत दिखाकर हो या कड़े प्रतिबंध दिखाकर हो, ऐसा संभव है? देखिए, अमेरिका ने कभी भी कोई जमीन पे नहीं लड़ी है, स्पष्ट है, निश्चित तौर पर कोई चीज भी जो वहां तो उसको अवॉइड करेंगे और इसीलिए वो वहां से अपने जो सारी सैंक्शन है, क्योंकि इस लड़ाई में से वो बहुत दूर है और वो अपनी सैंक्शन वगैरह की लड़ाई लड़ेंगे और आपको लगा कि ये डायरेक्ट लड़ाई उनकी लड़ाई पे आती है तो तब उनको असली खतरा महसूस हो। अभी उनको अपना खतरा नहीं है, मतलब सैंक्शन आने के लिए कि हम वक्त के लिए खड़े हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रोकने वाला एक्शन जो करे लड़ाई में नहीं कूदेगा, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में कूदने से रशिया की जो रेंज है बहुत दूर तक है और वार अमेरिकन सॉइल पे भी जा सकती है, वो अमेरिका कभी नहीं करेगा और ना ही उसने कभी करा है। श्रीवास्तव जी, ये इमेज, जिस इमेज की बात डेलो सर कर रही हैं, ये इमेज अमेरिका बिल्डअप कर पा रहा है क्या? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं खबरें पढ़ रही थी तो उसमें जनता का भी ये मत था कि जो बाइडेन को थोड़ा कमजोर माना जा रहा है, बनिस्बत अब जनता याद करिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते या कोई और होता तो शायद स्थितियां इस तरीके की नहीं होती, क्योंकि दो मोर्चों पर फेल नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। क्या वो छवि जो मध्यस्थ की होती है और एक सशक्त मध्यस्थ की होती है, अमेरिका उस छवि को बिल्डअप कर पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत एग्रेशन की जरूरत नहीं है, आदमी एग्रेसिव हो, ऐसे मामलों में बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी ठीक नहीं है, ठीक है। और जो बाइडेन भी कोई अकेले नहीं है, उनके पास भी जरा सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके पास भी एक सिस्टम है जैसे इंडिया में है, ठीक है। तो दे ऑल प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, किसी महायुद्ध में जाना इतना आसान काम नहीं है और इसमें एकदम से कूदना भी कोई वीरता नहीं है कि हम समझो, तो ये बहुत बैलेंस डिसीजन की जरूरत है। अमेरिका जब भी इसमें इंटर करेगा, जबकि वो मजबूर हो जाएगा, उसने देखा गया कि उसका इंटर सफर कर रहा है, तो ये स्पष्ट कर रहा है कि वो यूक्रेन की तरफ है, उसने साफ कह दिया कि युद्ध की स्थिति में वो यूक्रेन का साथ देगा, तो बैलेंस चीजें कहाँ बन पा रही है, कैसे बन पाएंगे? जो बाइडेन की इसी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर जरा विस्तार से बताइए। नहीं नहीं, क्षमता की बात नहीं है, देखिए क्षमता की बात नहीं, अमेरिका बहुत सक्षम कंट्री है और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास भी बहुत पावर्स हैं, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल बहुत ही देख के करता है। देखिए, जब कैनेडी ने भी किया था तो डिटरेंस दिखाया था उन्होंने, कैनेडी ने एकदम से युवा में मिसाइल नहीं डाल दी थी, उन्होंने मोबिलाइज कर दिया था, इसके लिए रूस ने ग्रेजुअली हटाया था उस टाइम में। इसी तरह जो है, इसमें जो डिटरेंस का इस्तेमाल करेंगे वो, कि यूक्रेन में ज्यादा उसका इंटरफेरेंस न हो, रूस ना घुसाए, क्योंकि यूक्रेन जो है, एक जगह उसने यूक्रेन ले लिया तो ये यूरोपियन कंट्री में आने के लिए उसके लिए आसानी हो जाएगा, इसीलिए वो चाहता है, अमेरिका चाहता है यूक्रेन एक न्यूट्रल कंट्री रहे जैसे पहले था, जैसे हमारे बीच में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सम कंट्रीज बर्मा है, वहाँ पर कुछ इन बिटवीन कंट्रीज रहते हैं, ऐसे हर कंट्री उनके पास यूक्रेन एक न्यूट्रल कंट्री था, क्योंकि अमेरिका जो रूस से अलग होकर आ गया था बीच में, उसमें इंटरफेरेंस। अब रूस को ये डर है कि जब नाटो फोर्सेज आ जाती हैं, अमेरिकन ट्रूप आ जाते हैं, तो उनके बॉर्डर पर आ जाते हैं और उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते और रूस में उसका इंटरेस्ट है, तो रूस भी नहीं चाहेगा कि हम यूक्रेन में कोई नाटो फोर्सेज का अमेरिकन इंटरफेरेंस ना हो, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसमें रूस में जाके वहां आ जाए जिससे अमेरिकन कोई उनके इंटरेस्ट सफर हो। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ देयर इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, ठीक है। हाँ, तो ये इस बात की लड़ाई है, ना अमेरिका ने यूक्रेन को लेना है, ना रूस ने यूक्रेन को लेना है सर, लेकिन यूक्रेन यही रूस यही कोशिश कर रहा है कि हम नेटो फोर्सेज अगर वहां आ गई तो उसका इन्फ्लुएंस वहां कम हो जाएगा, हो सकता है यूक्रेन उनके साथ मिलकर रूस को बाइकॉट कर दे, उसको ऑयल वगैरह देना, जो भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां से खत्म हो जाए, वो नहीं चाहेगा।
ये बात है, सीधी बात है जी। तो ये यूक्रेन के ये यूक्रेन को देखना है कि कितना वो बैलेंस वो संभालते हैं। बिल्कुल, यही सवाल मेरा अगला सवाल था श्रीवास्तव जी। ढिलो साहब, आपसे मेरा ये सवाल था कि रशिया के पर आपके नजरिए से आपने देख लिया कि क्या उसका परसेप्शन बन रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो। बात यूक्रेन की करते हैं, यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंच सकता है, यूक्रेन को क्या कुछ करना होगा इस स्थिति में, क्योंकि बहुत पहले ही यूक्रेन ने अपने नागरिकों से ये तो कह दिया कि हम सब शहीद होने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सच में हो पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी देश के लिए, या उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड होगा। तो ढिलो साहब, ऐसे में यूक्रेन के पास क्या विकल्प बच रहा है? देखिए, नहीं जीती जाती बल्कि दुश्मन को शहीद कर जीती जाती है। तो अगर वो खुद शहीद होना का ये एक मोटिवेशन होती है कि हम तो मरने के लिए तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन काफी अच्छा कंट्री है और उनके पास जो काफी रिच कंट्री है, तो वो नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से कंट्री की युद्ध में बर्बादी हो, क्योंकि जहां पे युद्ध का माहौल होता है, सेनाएं एक साइड से दूसरी साइड निकल जाती हैं, तो वो कंट्री बर्बाद हो जाता है। जैसा अफगानिस्तान में हुआ है, दो सेनाएं वहां, रूसी सेना रही, अमरीकी सेना रही, तो आखिर में वहां एक खंडर बन गया। तो यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से इतना भयंकर युद्ध हो वहां। तो वो भी एक अपने नागरिकों को ये भरोसा दे रहे हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये सबको पता है और यूक्रेन को भी पता है। सबसे इम्पैक्ट वो है कि जो ज्यादा दूर तक पड़ेगा वो यूरोप के लिए पड़ेगा, क्योंकि यूरोप की डायरेक्ट सप्लाईज है, यूरोप से बहुत सारी चीजें उनकी कनेक्टेड है, तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा। चलिए सर, लौटेंगे आप दोनों से चर्चा जारी रखेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए MH1 प्राइम। कल भी पाई नहीं सी ध्यान, कल भी मेरा अर्थव्यवस्था वाली सी, ये अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाए उदा की फायदा? बाजी देश च प्रोडक्शन बढ़ूगी, रोजगार बढ़ूगा, एक्सपोर्ट बढ़नगे, GDP बढ़ूगी। यार चीनी, चीनी तो किन्ने बढ़ गए, 150 करोड़ तो हो गए चीनी। ना ओ वाले चीनी नहीं यार, शुगर दी गल कर रहे हैं। शुगर दी प्रोडक्शन किन्नी बढ़ गई? यार शुगर दी प्रोडक्शन बढ़ गई, अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, चाहे चीनी फेर नहीं पाई। लाले ने जवाब देता पाजी, कहना पहला पिछला बकाया दो फिर चीनी उधार लियो। हैं साले, जिन्ना ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ते लाया, जे आही ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था ते लाया हुंदा तां जे फिक्की जाना पीनी पैंदी आपां नूं। यार चाहे चीन नाल अपना किन्ना मर्जी को तकलीफ है, पर चीन ने तरक्की बहुत कीती है शेरू। साढ़े नौजवान किड़ा किसी तो घट ने, पर रोजगार नहीं हैगा पाजी, करनगे बेचारे। इदा है BA MA MBA करी बैठे नौजवान बेले घूमते फिरदे ने। अरे ऐसे करके मैं नहीं दसवीं करदा, भी जदों BA MBA वालों तो कुछ नहीं होया, अपन दसवीं करके दस की खड़ लेंगे। इदा है, पर पाजी जदों नौजवानों को रोजगार नहीं हुंदा ताइयो तो नशे वल जांदे ने, ताइयो देश तरक्की नहीं करदा। हैं यरे ये तो कोई लॉजिक नहीं होया, किसे टाइम चीन नू अफीम चीन दा देश कहंदे सी, OPM कंट्री, एक दिन उन्हां दे दिल च आया भी बतेरी फीम खा ली, हुण कम करिए, लगे पए ने कम कर, केड़ा हटदे आ। अच्छा होर यार, हुण अपने नौजवान ऐसा की करन भी नशे छड के दिन रात कम दे लगे रहन। बाजी अड्डी भी केड़ी गल है, फीम आपा शुरू कर लेने आ। हैं मैं गल रोजगार दी कर रहे हैं, साले ने गल फीम वाले पासे मोड़ ली। यार बंदे नु शराब पीनी चाहिदी है कि नहीं? बाजी बहुत माड़ी चीज है शराब, सेहत दा नुकसान। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूक्रेन रूस विवाद, क्या युद्ध टलेगा, चर्चा हम इस पर लगातार जारी रख रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं, सेनाओं का दखल बढ़ रहा है और रूस की तरफ से सेनाओं को भेजने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। वहीं खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि झड़प भी यूक्रेन में अब शुरू हो चुकी है। तो क्या
ये दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, क्योंकि एक बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि देश आपस में बटे हुए हैं, कोई यूक्रेन की तरफ है, कोई रशिया की तरफ है, और ऐसे में क्या इंपैक्ट पूरे देश पर हो रहे हैं या हो सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ढिल्लो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढिल्लो साहब, आपके पास आना चाहूंगी, रशिया के नजरिए से एक बात क्या ये भी है, क्योंकि रशिया देखिए वो भी एक सुपर पावर है, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसके इमेज को और उसकी जो पावर है वो घटेगी। इन तमाम इंपैक्ट को ध्यान में रखा है रशिया ने। और दूसरा सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि बिना युद्ध लड़े भी क्या रशिया यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बिल्कुल युद्ध से कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, पर बिना युद्ध लड़े जो रशिया ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उससे जो उसको बिल्कुल क्रिपल कर सकता है फाइनेंशियली, और उसका एरिया भी जो उसके साथ वाली थी दो स्टेट उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो एक तरह से जो चारों तरफ से घेर रखा है, और रशिया जो यूक्रेन है बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है, तो साथ में रशिया लगता है, तो पहले से रशिया और यूक्रेन की जो काफी तनातनी चलती रहती है, तो इसलिए एक यूक्रेन के जो प्रेशर है उसके ऊपर बना के रशिया काफी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि वो कर रहा है पिछले जब से उसने बॉर्डर पे सेनाएं तैनात करी हैं। हालांकि अगर वो चाहता तो आज से कई दिन पहले भी काफी सेनाएं अंदर एंटर कर सकती थी, तो वो छोटे छोटे एक्शन कर रहा है और उनको पब्लिकली कर रहा है, जैसे ब्लड इकट्ठा करना है, मूवमेंट करनी है, और उसको वो दिखा रहा है कि हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो एम है, क्योंकि आमतौर से ये चीजें कंट्रीज सीक्रेटली करते हैं, अपनी लड़ाई की तैयारी सीक्रेटली करते हैं, और जब एक दिन वॉर शुरू हो जाता है तो तब पता लगता है कि ये असल में हुआ क्या। पर इसमें रशिया जो है हर चीज धीरे धीरे कर रहा है और दिखा रहा है कि हम ये करेंगे, तो एक तरह का माहौल बना रहा है कि लड़ाई हो जाएगी और यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उसका कोशिश है कि थोड़ी लड़ाई लड़के थोड़ा प्रेशर बना के कुछ ना कुछ यूक्रेन से हासिल कर लिया जाए बड़ा, जिसके कारण यूक्रेन का कद भी छोटा कर दिया जाए और अपनी प्रभुसत्ता जो है उस इलाके में कायम भी रखी जाए। ढिल्लो साहब, लेकिन इस बार बनिस्पत देखे तो यूक्रेन में जो सर्वे हुए या जो बातचीत सामने आई है, ये माना जा रहा है कि यूक्रेन पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है, और प्रत्येक यूक्रेन का ये नागरिक चाहता है कि रशिया को किसी तरीके से खदेड़ा जाए। इच्छा शक्ति के आधार पर भी क्या ये संभव है, और यूक्रेन के पास और क्या कुछ विकल्प बच रहे हैं? देखिए, यही तो बेसिक रीजन है कि यूक्रेन स्ट्रांग हुआ है और वो रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं है जी, तो इसलिए तो एक बार ये पूरा ड्रामा जो है सब घेराबंदी रची जा रही है कि यूक्रेन को कमजोर किया जाए। हालांकि यूक्रेन पूरी कोशिश करेगा, उसके नागरिक भी कोशिश करेंगे, जो एक हवा है रशिया का वो निकल जाए उनके मनों से कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी अंदर घुस सकता है, तो वो भी एक लॉबिंग करके वर्ल्ड लेवल पे अपने साथ जो अपनी एक लॉबी तैयार कर रहे हैं, ताकि उसको वो मुकाबला भी कर सके फिजिकली, और जो प्रोपेगंडा के हिसाब से भी और एक मॉरल सपोर्ट भी बाकी कंट्रियों से हासिल करें, और वो रशिया के मुकाबले अपने पैरों पे खड़े रहें और रशिया उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, और उस पर इतना प्रेशर रशिया पे भी वर्ल्ड से हो जाए कि अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग यूक्रेन के साथ भी आएंगे और ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, तो वो भी अपनी जो पूरी कोशिश है उनकी कि किसी तरह अपने जो स्वाभिमान को बचा के रखे। डॉक्टर श्रीवास्तव, सवाल अब मेरा आपसे ये है कि अमेरिका जो है एक तरफ जहां रूस पर ये कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि चाइना को भी संदेश देने का ये अच्छा मौका है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, चाइना तो संदेश मेरी समझ से बाहर है कि इसमें चाइना को क्या संदेश मिल सकता है, ये दो बोथ आर कम्युनिस्ट कंट्रीज, लेकिन चाइना इसमें चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट होने की कोई मतलब ऐसी दिखती नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि चाइना इज टू फार ऑफ यूक्रेन, इसलिए कि यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पर है, ठीक है, और इधर बॉर्डर है, इधर यूरोप है, तो इसमें इनका पुराना हिस्टोरिकल इनकी इशू है, जो तो दो कंट्री इन्होंने सब कंट्री कुछ सेपरेटिस्ट जहां से इसको रशिया इंडिपेंडेंट कंट्री दे दिया दासना के लुधना को, वो इसलिए सेपरेटिस्ट थे एंड देवर प्रो मॉस्को पीपुल, बट इनका चाइना का आई डोंट फाइंड एनी रीजन वे चाइना का इसमें कोई दखलंदाजी हो या चाइना की रशिया के सपोर्ट पे अगर चाइना आ सकता है तो इस तरह की संभावनाएं क्या बन रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सपोर्टिव चीजें हैं वो सपोर्टिव चीजें भी आगे चलकर घातक हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक झुकाव जो है चाइना का वो इन चीजों को लेकर रशिया की तरफ है, क्या इस तरह की भी खबरें हैं, संभावनाएं हैं? सर,
मुझे तो नहीं दिखता कि चाइना का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रशिया का होगा, बिकॉज उनकी लॉजिस्टिक्स कैसे इसको सपोर्ट करेगी मुझे तो जरा मुश्किल दिखता है। दे आर टू फार ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। और चाइना के इन्वॉल्वमेंट होगा तो द अदर कंट्रीज जापान है, वो है साउथ एशिया एशियन कंट्रीज आर देयर टू लुक आफ्टर चाइना। चाइना वैसे स्ट्रांग कंट्री है, नो डाउट इट इज ऑल्सो यू कैन से सेमी सुपर पावर, लेकिन ये है कि चाइना इसमें दखलंदाजी जो है ज्यादा करने का उसका दिखता नहीं, क्योंकि चाइना का ही लॉस होगा, अमेरिका चाइना को काफी टैकल कर सकता है, ये मेरा मानना है। सर आप जो देश है, चाहे आप यूएनएससी की बात कर रहे हैं चाहे नाटो की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या आपस में भी संघर्ष की स्थिति बनेगी? क्या आपस में भी आप जो विचार हैं वो एक दूसरे से जब नहीं मिलेंगे संघर्ष की जो स्थिति है वो पैदा होगी? और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसको कूटनीतिक आधार पर इससे कैसे निपटा जाता है? सर देखिए, जब एक स्टेज आ जाएगी, हो सकता है कि ये नो कैसे शेप करता है पता नहीं, यूक्रेन में क्या वो किस तरह अमेरिका और रूस उसको सेटल करते हैं, लेकिन ये स्थिति थोड़ा गंभीर बनी रहेगी हमारा ख्याल है कि कुछ हफ्ते तक, और ये दोनों दोष अवॉइड करेंगे कि एक न्यूक्लियर वॉर के लिए ना हो, लेकिन अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई, अगर खासकर अमेरिका ज्यादा इंटरफेयर करता है तो स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोई और देश और यूरोपियन कंट्रीज वॉर को चाहते नहीं है, दे आर मॉरली सपोर्टिंग, दे सेड वी आर विद यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम को वो सपोर्ट नहीं करती है, जैसे चाइना को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट सपोर्ट चाइना, ठीक है। सिमिलरली रशिया की उनकी कम्युनिस्ट फिलोसफी से अगेंस्ट है, इसलिए वो जो है अमेरिका के साथ हो सकते हैं और अमेरिका उनका इंटरेस्ट है, लेकिन ये है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे जब तक कि कोई इन्वेजन ना हो जाए उनके ऊपर, ठीक है। ओके, तो दैट्स व्हाई जैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम इस टाइम में नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें एलाइड एंड एक्सिस हो गया, सारी कंट्री इन्वॉल्व हुए, तो जर्मनी बिकॉज दे वर इन्वेडेड वन आफ्टर अनदर बाय द जर्मन फोर्सेस, दैट्स व्हाई दे गॉट इन्वॉल्व, उन्होंने भेजे थे, मतलब ये नहीं सोचा था कि इस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। तो अभी ये तो दिखता नहीं है, लेकिन ये समय ही बताएगा। चलिए सर, लौटेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप दोनों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। पैसे का नुकसान, इज्जत का नुकसान, यार शराब मैं पियूंगा, मैं झूठ बोलदा सी पाजी। पाजी जिहड़ा व्याह ना करावे ओ भी पछतावे, ते जिहड़ा करावे ओ भी पछतावे, ना ना ओ तो जमा पट्टे ही जावे। यार जिहड़ी घर वाली हुंदी है ना ओ घर नूं स्वर्ग बना दिंदी है शुरू, ते घर वाले नूं स्वर्गवासी। पाजी घर वालियां दो तरह दियां हुंदियां ने। यार किहड़ियां किहड़ियां? पहले नंबर ते ओ घर वालियां आउंदियां जिहड़े अपने पति नूं हमेशा प्यार करदियां। क्या बात है, कदे गुस्से नहीं हुंदियां, ओए होए हमेशा हसदियां रहंदियां, ओए होए 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 कदे कोई गिफ्ट नहीं मंगदियां। क्या बात है, कोई फरमाइश नहीं करदियां। या जड़ी दूजियां आउंदियां? दूजियां तां पहले ही सारे दे पल्ले पईयां होईयां हैं। कंजर दा दूजी तरह दियां घर वालियां दा डर दिखा के मेरा ब्याह ही नहीं होण दिंदा। यूनिवर्सल लैंग्वेज साडी यार केड़ी? कोई ग्रामर नी, कोई जैमार नी, कोई बाजबार नी, शैल शुड कैन कुड कोई नी, बस आही है। बाकी मेरी भी शेफर्ड नाल गल चल रही है। यार केड़े शेफर्ड नाल? जर्मन शेफर्ड नाल पाजी, फिर मेरी भी डायरेक्ट सिटीजनशिप जर्मनी दी। वेरी गुड, यार तू मेनू अपनी लैंग्वेज सिखा देगा? लैंग्वेज ता सिख लो पाजी, पर वीजा अप्लाई बंदे आले पासे करियो, साडे आले पासे दा पहले ही मारा मारी बहुत होई पई आ। हैं साले आईलैंड्स नहीं क्लियर होई ना सी, एदा मतलब ए थोड़ी आ मैं कुत्ते आले वीजे ते बाहर जाऊं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਚ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਫੜੋ 2000 ਰੁਪਿਆ। ਹੈ 2000?
ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਬਾਜੀ ਆ 2000 ਦਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ For watching. इस वीडियो नू लाइक करो शेयर करो ते कमेंट करना ना भुल्यो है। फ्रांस ब्रिटेन नू पछाड़ के भारत बनिया दुनिया दी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूक्रेन रूस विवाद, क्या युद्ध टलेगा, इस पर हम लगातार चर्चा जारी रख रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां इस वक्त काफी गंभीर हैं। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ढिलो साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अभी तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि रूस पर अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, रूस उसको कैसे टैकल करेगा या रूस उसके लिए पहले से तैयार है या नहीं है, लेकिन यकीनन जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी तो रूस भी अपनी तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाएगा। वो प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर नॉर्थ स्ट्रीम से कनेक्शन टूटता है तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी संकट आ सकता है। तो रूस के हाथ में भी ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड पर पड़ सकता है? देखिए, रशिया के पास काफी ऑप्शन है वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की। सबसे पहली तो है ऑयल, जो रिजर्व्स उनके पास बहुत हैं और वो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो तेल के वृद्ध अगर बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ता है और खासकर भारत में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि चाहे भारत डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करता पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ जाते हैं जो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से बढ़ते हैं, अगर रशिया से तेल नहीं आएगा तो नेचुरली रेट बढ़ेंगे, तो रेट बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल भारत को भी होगी और बाकी देशों के भी। दूसरा, अगर चाइना के साथ भी उनका चाइना उनकी सपोर्ट पे आ रहा है तो इस चीज से हमें चिंता करने की जरूरत है कि उनकी अगर दोस्ती बढ़ती है तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चाइना इस टाइम बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप लेवल की इंडस्ट्री है वो चाइना में चल रही है। इवन आज जो गैजेट्स की, जो अप्लायंसेस की बहुत बड़ी शॉर्टेज अमेरिका में चल रही है वो बिकॉज चिप लेवल का जो एक्सपोर्ट वो चाइना से कोरोना के बाद बहुत इंपैक्ट हुआ है। तो अगर ये चीजें और जाएंगी क्राइसिस तो काफी जो क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो चाइना से आता है और अगर इस तरह से वहां सिचुएशन बनेगी और इन चीजों पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो काफी सारी कंट्रीज को ये प्रॉब्लम आएगी और वर्ल्ड में एक क्राइसिस पैदा होगा, क्योंकि पहले ही कोरोना के कारण जो बहुत इंडस्ट्री है नीचे चली गई है, क्योंकि कुछ चीजों के जो क्रिटिकल कंपोनेंट थे वो चाइना से आते थे और अगर और इसकी शॉर्टेज हो जाती है वर्ल्ड तो कारों के प्राइस देखिए कि अमेरिका में बढ़ गए हैं, क्योंकि कुछ कंपनी जो वहां से बनते थे आउटसोर्सिंग वहां से होती थी अमेरिका की, तो बहुत बड़ा असर उसको पड़ा। हालांकि अल्टरनेट सोर्सेज उन्होंने डेवलप करे हैं पर अगर वॉर की सिचुएशन में और चाइना और रशिया अगर दोस्ती है उनकी और वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस चीज को तो पूरे वर्ल्ड को जो ट्रेड ऑयल में बाकी चीजों में काफी फर्क पड़ेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर एम श्रीवास्तव जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को टाला जाए, हालांकि परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं। अब देखना यह है कि वर्ल्ड के सभी जो सुपर पावर देश हैं इस स्थिति से यूक्रेन और रशिया समेत पूरे विश्व को कैसे बाहर निकालते हैं। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।